अब चाइना और इंडिया की जो जो क्लोज कम्युनिकेशन है, इट्स अ मैसेज फॉर द अमेरिकंस फ्रॉम द इंडियन साइड। अमेरिका जो नहीं चाहता था रूस ने वो कर दिखाया। भारत और चीन के बीच दोस्ती की ये तस्वीर अब अमेरिका को डरा रही है, क्योंकि दुनिया की तीन बड़ी शक्तियां, तीन बड़ी सुपर पावर एक साथ आ गई है। रूस, चीन और भारत का ये संगम पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में तबाही ले आया। भारत को भी समझ में आता है हाउ टू प्ले द गेम, और जो भारत के प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को साथ में देख के अमेरिका में बहुत जगह पे आग लगने वाली है। वो कोशिश कर रहे हैं कि भारत को प्रेशर, भारत पे प्रेशर पड़ नहीं रहा है। अभी भारत क्या करेगा कि ब्रिक्स का इस्तेमाल करके अमेरिका के ऊपर उल्टा प्रेशर डालेगा। पुतिन के एक तरफ आप देखिए कि पीएम मोदी मौजूद है और दूसरी तरफ पुतिन के मौजूद है कौन, शी। यहाँ पे बात होगी मल्टीलैटरलिज्म के, यहाँ पे बात होगी कि क्यों हम एक ही देश को सुपर पावर माने, आओ हम लोग कोलैबोरेट करते हैं, आओ हम लोग कोऑपरेट करते हैं। अब आप वो टेबल की एक फोटो देखें जहां पर इनकी बायलैटरल मीट हो रही थी, मोदी साहब हंस रहे हैं, जयशंकर साहब हंस रहे हैं, दोवल साहब हंस रहे हैं, पुतिन साहब हंस रहे हैं। ये दो बड़े राइवल्स इंडिया और चाइना, तो इन दो बड़े राइवल्स को इकट्ठा कर दिया किसने, प्रेसिडेंट पुतिन ने। मेरा नहीं ख्याल कि कोई पंजाबी में ऐडा कोई सोना तो है नहीं नरेंद्र मोदी कि जो प्यूटन उसको गले लगा ले। तो ना तो मधुरी दीक्षित वहां आई, ना काजू लाई, ना तो ऐश्वर्या राय आई। बात क्या है उसमें, बात यही है कि वो अपने मुल्क को स्टैंड कर रहा है, अपने मुल्क के साथ ऑनेस्ट है। कि इंडिया ब्रिक्स जैसे जो समिट्स होते हैं, ब्रिक्स जैसी जो एक एक प्लेटफॉर्म होते हैं, उसमें इंडिया अमेरिका को यह दिखाने की कोशिश करता है कि देखो यार, हमें तुम ना पाकिस्तान मत समझना। मैं आपको आसान शब्दों में समझा रहा हूं दोस्तों, ऐसा है नहीं कि इसने कभी, भारत ने कभी ऐसी बात बोली होगी या डॉक्टर जयशंकर साहब ने कभी ऐसी बात बोली होगी, दे विल नेवर से दिस। ये मैं आपको एक आसान शब्दों में, जिसको घुट्टी है ना, ये घुट्टी है, ये मतलब कि आराम से पच जाए, लेकिन है 100% सच। यार अमेरिका प्रेशर डालता भारत के ऊपर, और अलग अलग किस्म के नाना प्रकार के प्रेशर डालता, वो ये भी कर दो, ये भी कर दो। अच्छा, हमें ये बात पता लगी है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने की साजिश रॉ ने करी थी। अच्छा, इंडिया को ये करना चाहिए, इंडिया को ये करना, अच्छा इंडिया को हमने इंजन देने थे तेजस के, वो हमने, हमारी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, हम 6 महीने बाद आपको इंजन देंगे। ये सारा का सारा ड्रामा अमेरिका करता है, सारा का सारा ड्रामा। एक तरफ कि डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी, डिफाइनिंग पार्टनरशिप, इंडिया इज अ स्ट्रेटेजिक एलाय, इंडिया को हम वही अहमियत देते हैं जो नेटो को देते हैं। एक तरफ तो ये इनके गाने चलते हैं अमेरिका। अब ये जो 16वीं ब्रिक्स समिट हो रही है, जिसमें एक बात बताऊं आपको मैं, ये मल्टीलैटरल फोरम्स में इंडिया और चाइना का मुख्तलिफ जगहों पे होना, इट गिव्स देम टू रिजॉल्व देयर बायलैटरल डिस्प्यूट्स। हमारा इंडिया के साथ किसी भी फोरम के ऊपर हमारी कन्वर्सेशन नहीं होती। यू थिंग्स आर गेटिंग बेटर फॉर दी इंडियंस, बट अमेरिकंस आर लुकिंग इट वेरी केयरफुली। अगर चाइना और इंडिया के मसले सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, तो क्या चीज है, सारी बात है, अमेरिकन्स की परेशानी तो होगी। दूसरी तरफ चाइनीज को ये बड़ी परेशानी है कि इंडिया जो क्वाड का मेंबर बना है, इस क्वाड का मेंबर बनने की वजह से चाइना, इंडिया, अमेरिकन्स की जो एक्सपेंशन है खित्ते के अंदर, ये चाइनीज को इसी से डर आता है। डर ये नहीं है कि चाइनीज लड़ नहीं सकते, डर ये है कि किसी तरीके से रोका जाए उन ममालिक को, या उनको कन्विंस किया जाए, उनको इंगेज किया जाए कि भैया ऐसी कोई बात नहीं, हम आपके साथ जो है, हम कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने नहीं जा रहे। अब चाइना और इंडिया की जो क्लोज कम्युनिकेशन है, इट्स अ मैसेज फॉर द अमेरिकंस फ्रॉम द इंडियन साइड दैट वी नीड योर सपोर्ट ऑन बायलैटरल थिंग्स। मल्टीलैटरली हम आपके साथ चाइना के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, लेकिन चाइना को यह बताया कि हम मालाबार एक्सरसाइजेस भी करते हैं, हम तुम्हारी इंडो पैसिफिक में राजना को नहीं मानते। जैसे पाकिस्तान इंडिया के बारे में कहता है ना कि हम इंडिया को खित्ते का पुलिसमैन या चौधरी नहीं बनने देंगे, इसी तरह इंडिया चाइना को कहता है कि हम इस खित्ते में तुम्हें चौधरी नहीं बनने देंगे। सो ये चीज है। आप देखते हैं कि हाउ फर्दर थिंग्स अनफोल्ड, कैसे चीजें अनफोल्ड होती हैं विद द मुस्लिम कह रहा हूं, इंडिया और चाइना के बीच में, क्योंकि ये अब शी जिनपिंग से जो मुलाकात है ये भी इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा अमेरिका के आर्क राइवल ईरान, उसके साथ भी मोदी साहब मिल रहे हैं, ठीक है। और मोदी साहब हर वो काम करते हैं जो अमेरिका को, जारी बात है, दे डोंट लाइक इट। पीएम मोदी और प्रेसिडेंट शी डिनर के दौरान इकट्ठे हुए हैं,
ये पिक्चर्स आप देख सकते हैं, आपके सामने पिक्चर्स मौजूद हैं। ये मैं आपको इस वक्त दिखाऊंगी कि ये हमें पिक्चर्स क्या बता रहे हैं। ये देख रहे हैं ना आप प्रेजिडेंट पुतिन को बीच में, आप ये जो देख रहे हैं वो इशारा कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये उन कंट्रीज की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो जो जिनको बड़ा इस वक्त प्रॉब्लम हुआ हुआ है, ठीक है। यानी ये कि वो दिखा रहे हैं, वो दुनिया को, वो लीडर्स को, सबको वहां पर ये बता रहे हैं, ये देखो ये लोग हमें देख रहे हैं, कम इकट्ठे हैं, क्या ये इस तरह का कोई इंडिकेशन है। लेकिन ये तस्वीर बहुत इंटरेस्टिंग है जो मैं आपके सामने इस वक्त पेश कर रही हूँ। और एक तरफ जो है पुतिन के, एक तरफ आप देखिए कि पीएम मोदी मौजूद हैं और दूसरी तरफ पुतिन के मौजूद हैं कौन, शी, प्रेसिडेंट शी। और तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। और ये देखिए, ये अब ये पीएम मोदी किसी तरफ इशारा कर रहे हैं, वो उनको कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेकिन ये देखिए, हुआ ये कि जब डिनर हुआ तो ये तमाम लोग इकट्ठे थे, और इस डिनर में एक बहुत ही बहुत इंटरेस्टिंग, अब जो मैं आपको तस्वीर दिखाने लगी ना, बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीर है, बहुत अच्छी उसमें ये पता चलता है कि वहां पे क्या सिनेरियो था। ये देखिए, ये सर आप ये देख रहे हैं कि दरमियान में बैठे हैं प्रेसिडेंट पुतिन, उनके एक साइड पर हैं पीएम मोदी और उनके दूसरी साइड पर हैं प्रेसिडेंट शी। तो उन्होंने भी भाई ठीक ठाक सेट करके जो है ना वो सेटिंग रखी हुई थी कि इस तरह बैठना है। उन्होंने कहा कि एक तरफ मैं बिठाऊंगा मोदी को और एक तरफ मैं बिठाऊंगा शी को, और मैं दुनिया को ये बताऊंगा कि ये देखो मैं इंडिया और चाइना को करीब ले आया हूँ, मैं इंडिया और चाइना को साथ ले आया हूँ। बट मोदी साहब डज इट बिकॉज उसको ये है, जैसे कहेंगे ना कि उनको क्या परवाह है, वो कहते हैं हमें ईरान के साथ ताल्लुक चाहिए, क्योंकि ईरान, इंडिया ने अमेरिकन को ये कहना शुरू कर दिया कि आप हमारी बात माने, हम ईरान को लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करना चाहते हैं और आपके भी काम आएगा। लेकिन याद रखिए, जितने प्रॉब्लम अमरीका की और ईरान की है ना, इंडिया उन चीज़ों को नहीं सुलझा सकता, ठीक है ना जी। अब एक और सवाल पैदा होता है, एक तमाशा लग जाए, एक शोर मच जाए, अगर एक ट्राइलेटरल समिट हो जिसमें प्रेसिडेंट पुतिन, मोदी एंड शी जिनपिंग हो, ये सुनने में आ रहा है कि ये एक समिट होने वाली है, अगर इंडिया चाइना के रिलेशंस में ये चीजें होती हैं, ये इंडिया चाइना ये ट्राइलेटरल समिट होती है, तो समझें आपके बेसिकली जो अमेरिकन कहते थे, आपको याद है जैक सुलिवन रिसेंटली जब प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलने आए, उन्होंने मोदी साहब से ये कहा, उन्होंने कहा इस चीज को छोड़ दें, इस चीज को छोड़ दें, इस चीज के बारे में सोचना बंद कर दें कि रशिया आपकी मदद करेगा अगर चाइना ने अटैक किया। ये पिक्चर्स अभी और भी है मेरे पास, लेकिन हुआ क्या, इसमें हुआ ये है कि ऐसा लगा है कि जैसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पता नहीं कितने सालों के बाद रशिया पहुंचे हैं, इस तरीके से उनको ग्रैंड वेलकम किया गया। देखिए वो तो अभी होकर आए ना, अभी वो पुतिन से मिलकर आए हैं, तो पुतिन ने उनका फिर वैसा ही इस्तकबाल किया। अब वो जब पीएम मोदी वहां पर उतरे, तो मेरे पास इसकी भी पिक्चर्स है, मैं आपको दिखाती हूँ। एक तो डायस्पोरा ने जो उनका जबरदस्त शानदार इस्तकबाल, ये देखें जब उतरे हैं तो वो फुल टाइम भारी भरकम फौजी जवान वहां पर मौजूद थे रशिया के, जिन्होंने जिसको कहते हैं ना पूरे प्रोटोकॉल के साथ, एक जो उनका तरीकाकार होता है उस तरीके से उनको रिसीव किया। और ये आप देख, अच्छा ये जब वो पहुंचे, नहीं ये बात किसी, मैं इसकी तरफ बाद में आती हूँ, ये देखें जब एयरपोर्ट पर वो पहुंचे हैं तो ये इस तरीके से उन्होंने अपने एक ट्रेडिशनल वे में रशिया में जिस तरीके से किया जाता है, तो वैसे ही उनको रिसीव किया है पीएम मोदी को। आप ये देख सकते हैं उनके हाथों में वहां के ये कुछ ऐसी हैं फूड, मेरा फूड आइटम्स भी हैं और कुछ और ऐसी चीजें मेरा ख्याल है, या फिर कोई सविनेस कोई जो भी है, जो उनका तरीकेकार होता है उस तरीके से वो रिसीव करते हैं और उनको थैंक यू कर रहे हैं पीएम मोदी, और उन्होंने बहुत ही उनको वो किया। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ है कि फिर वो डायस्पोरा से मिले और डायस्पोरा ने उनको वहां पर इंडिया के गीत गाए हैं, वहां के जो है भारत की बड़ी जबरदस्त तरीके से उनको जो है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि रशिया में रहने वाले जो इंडियंस हैं वो उन्होंने अपना जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है उनके साथ अपनी सॉलिडारिटी शो की है। ये देखिए, ये फिर उनको कुछ सोविनियर्स पेश किए जा रहे हैं, और आप जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, मैंने आपको एक बताया और कहा हुआ है कि जब भी जहां भी मोदी साहब पहुंचते हैं वहां पे जो इंडिया की कल्चरल वैल्यूज है ना उनको साथ रखा जाता है,
वहां पे डांस जरूर होता है इंडिया का, खासतौर पर कथक या भरतनाट्यम या जो उनका क्लासिकल रक्स है वो पेश किया जाता है। तो ये देखिए वो वहां पर पेश किया गया और अपने ही अंदाज में एक किया गया। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये देखें, ये है इंडियन डायस्पोरा जो वहां पर उनको मिला है। जब होटल पहुंचे वो होटल की लॉबी में भी इस तरीके से उनका, अच्छा ये तो अब एक रिवायत बन चुकी है, आप देखिए कि ये तो होता ही। अच्छा फिर वो सबसे पहली बात है, जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी, जो चाइना की फौज है, वो ना चाइना के लिए लड़ती है, ना चाइना के फ्लैग के लिए लड़ती है, ना चाइना के मदरलैंड के लिए लड़ती है। वो लड़ती है फॉर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। बहुत बड़ा फर्क है, वो जो सिपाही है वो चाइनीज पॉलिटिकल है, कम्युनिस्ट पार्टी का मर्सनरी है, वो मातृभूमि के लिए देश के लिए लड़ने वाला सिपाही नहीं है। जब हमारा सिपाही है भारत का, वो भारत माता के लिए लड़ता, भारत के तिरंगे के लिए लड़ता, भारत की आन मान शान और स्वाभिमान के लिए लड़ता है। ये फर्क आती है उसमें, उसे फर्क नहीं पड़ता दिल्ली की सत्ता में कौन बैठा है या उसका कर्नल या मेजर कौन है। उस सिपाही में कि मैं अपनी मातृभूमि के लिए लड़ रहा हूँ, जबकि चाइना का कम्युनिस्ट पार्टी का, जो चाइना का पीएलए का सिपाही, जो सीसीपी का, जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी, वो उसका माई बाप है, उसके लिए लड़ता है। तो यह एक बड़ा फर्क है। उनकी हर यूनिट में, उनकी हर यूनिट में एक पोलिटिकल कॉमिसार होता है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। और वो बॉस होता है, वो जो यूनिट का जो कर्नल होता है या यूनिट हेड जो भी होता है, वो ही इज नॉट द बॉस, दैट पॉलिटिकल कमिश्नर इज द बॉस। बिल्कुल। अब जब आप लड़ ही रहे हो कम्युनिस्ट पार्टी के लिए, मातृभूमि के लिए लड़ ही नहीं रहे हो, आपको तिरंगे से मतलब नहीं, आपको लोगों से मतलब नहीं, आप तो जनरल सेक्रेटरी के लिए लड़ रहे हो, तो आप तो प्राइवेट आर्मी होगी ना, तो वो जज्बा कहां से आएगा, जब मातृभूमि वाला जज्बा कहां से आएगा। अब देखिए, जो हमारे 20 भाई गलवान में शहीद हुए, वीरगति को प्राप्त हुए, हमने उनका पूरा सम्मान किया, देश ने उनको सलाम किया, उनका गुणगान किया। अब चाइना में जो वीरगति को प्राप्त हुए, जो बेचारे चाइना के लिए लड़ते लड़ते मरे, उनके तो नाम भी नहीं आए कहीं पे, कौन उनके नाम जानता, किसी को नाम नहीं पता, उनको तो फ्यूनरल भी नसीब नहीं हुआ, उनको तो जो एक राष्ट्र सम्मान दिया जाता है सिपाही को, उनको तो वो सम्मान भी नसीब नहीं हुआ, उनकी तो वो बॉडीज को जला के वो येलो डब्बों में स्मगल कर दिया गया और पता नहीं कहां फेंक दिया गया राख को। वास्तविकता तो ये है, चाइना तो आज तक भी नहीं बताता कि वो कौन से लोग थे जो मरे थे गलवान में। देखिए, भारतीय सेना के साथ चाइना का कोई मुकाबला नहीं है। अगर आपने एक और बात कही थी, हम सियाचिन में 1984 से डिप्लॉयड है, कितने साल हो गए, अब लगभग 40 साल से हम सियाचिन में। इन्होंने 43 साल पहले ही एक लड़ाई लड़े थे वियतनाम से, वहां भी ये पिटे थे। हमने जंग पे जंग जीतते आए तब से, और हमने कारगिल जैसी असंभव मानने वाली और कहने वाली लड़ाइयां भी जीती है। जो भारतीय फौज का मनोबल है, जो भारतीय सिपाही की ट्रेनिंग है, इनकी हो ही नहीं सकती।